जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सैटेलाइट न्यूज चैनल सच्ची खबरों के साथ। मैं मौजूद हूं यूपी के जनपद महाराजगंज बिचलोल विकास खंड के ग्राम पंचायत मिश्रोलिया में। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि ये जगह वही है कि कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि जहां के ग्रामीण इस रोड को लेकर आंदोलन किए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस पे ग्रामीणों ने आंदोलन किया था रोड नहीं तो वोट नहीं। इस रोड को लेकर ग्रामीण 20 साल से परेशान थे कि 4-5 प्रधानी के चुनाव भी बीत चुके, लेकिन कोई प्रधान आए और सबकी वही वादा थी कि हम जीतेंगे तो इस रोड का निर्माण कराएंगे, लेकिन कहीं भी कोई प्रधान आए लेकिन कोई भी कर्मचारी न तो अधिकारी कोई भी निर्माण नहीं करा सका। लेकिन कुछ दिन बीते हमारे ग्रामीणों ने बताया हमको, तो हम मौके पर आए और इसका वीडियो भी बनाया, आपने देखा भी होगा। और यहाँ के ग्रामीण आज इस खबर के वजह से, सैटेलाइट चैनल के खबर के वजह से, आज देखिए कहीं न कहीं शासन प्रशासन के भी लोगों ने ये खबर चली है और देखे हैं, और उन्होंने मौके पर शासन से प्रशासन के लोग अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर आए हुए हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि गांव के ग्रामीण सभी लोग मौजूद हैं और बहुवार चौकी के मनीष पटेल भैया, मनीष पटेल के साथ उनकी पुलिस टीम भी मौजूद है कि कहीं आपसी विवाद ना हो। और तहसील से लेखपाल और कानको भी मौजूद है जो जमीन को नापतोल कर रहे हैं ताकि इस पानी जो गांव की गंदी नाली पानी है इसकी निकासी के लिए हम कहां इसको स्थित करें, कहां सरकारी जमीन ऐसा पड़ रहा है तहां इसकी खुदाई करके इस पानी की व्यवस्था की जाए ताकि ये रोड का निर्माण किया जाए कि भविष्य में आगे चल के ग्रामीणों की परेशानी को दूर किया जाए। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हम दिखाते हैं, आगे आपको ले चलेंगे। और कुछ ग्रामीण प्रधान है जो सम्मानित व्यक्ति है, हम उन से पूछेंगे कि आज के जांच में क्या प्रस्ताव निकला है, क्या निर्णय निकला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद साथियों। पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा तहसील प्रशासन। 30 वर्षों से चली आ रही इस बड़ी समस्या का कराया समाधान। महाराजगंज जनपद के विकास खंड निचलौल के ग्राम पंचायत मिश्रोलिया में लगभग 30 सालों से गांव के नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा था, जबकि यह सड़क गांव के पश्चिम गुलाभार और करमहिया होते हुए झुल्लीपुरवाली मेन रोड पर जाकर मिलती है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जब भी प्रधानी चुनाव आता है तो सभी प्रधान यही वादा करते हैं कि इस रोड का पहला विकास होगा, लेकिन 30 साल हो गए, 6 प्रधानी चुनाव बीत गए लेकिन अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ और ना ही निचलौल विकास खंड के कोई अधिकारी इस मामले में अपना संज्ञान लिया। इसलिए हम सभी ग्रामीणों में आक्रोश है। मिश्रोलिया निवासी खुर्शीद मलिक के प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही तहसील प्रशासन पुलिस फोर्स सहित स्थल पर पहुंच गए, जमीन की नापी कराते हुए समस्या का निराकरण कराया, जिसके अभिलेख में जांच में ग्रामवासियों और पुलिस बल के समक्ष चिन्हित कर दिया गया। अब ये सड़क बनने की तैयारियां में प्रशासन जुटी हुई है। आप देखा पूरी रिपोर्ट सज्जाद अली के साथ। हाँ साथियों, तो आज मैं बात करते हैं मिश्रोलिया के ग्रामीणों से कि क्या आज का निष्कर्ष निकाला गया है प्रशासन द्वारा कि पानी का क्या प्रशासन है, रोड का क्या प्रस्ताव है। आज हम बात करते हैं गांव के नागरिकों से। क्या नाम है आपका? सबसे पहले प्रधान जी से हम बात करते हैं, जो प्रधान जी सम्मानित व्यक्ति हैं, गांव के बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, इनको तो मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं कि गांव वालों को 20 साल से समस्या है, इन्होंने कुछ जल के लगभग ठीक कर दिया है और आगे ये भी चाहते हैं कि अच्छा ही होगा और रोड भी बनेगा, विकास भी होगा एक गांव का। और हम बात करते हैं प्रधान से। क्या नाम है प्रधान जी? हाँ, छविलाल भारती, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि। क्या निष्कर्ष निकाला गया? निष्कर्ष यही निकाला गया भाई साहब कि जो भी है समस्या 20 सालों से चल रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कहाँ जमीन है कहाँ नहीं है खाद गड्ढे का। आज लेखपाल साहब आए थे, अवगत करा दिया गया है। अब नाप कर जो भी है काम हो जाएगा। हाँ, अभी तो पानी का तो टेंशन नहीं, नहीं है, पानी का टेंशन नहीं है। आप गड्ढा मिल गया? हाँ, गड्ढा मिल गया, खाद गड्ढा, अब से काम चालू हो जाएगा। रोड का प्रस्ताव तो पहले काली रोड का हुआ है। हाँ, अब इस टाइम फिलहाल में इस पे मिट्टी गिरवा दिया जा रहा है। हाँ, कि आने जाने का सुविधा हो ग्राम सभा के लोगों। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद मलिक है, मैं आम आदमी पार्टी के सिसवा विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, मैं ये बहुत खुशी हुई है आज हमको कि सैटेलाइट चैनल आ इंडिया पर यूपी इंडिया न्यूज के माध्यम से लगभग आज एक महीना पहले मैं आवाज़ उठाया था
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूपी इंडिया न्यूज को और सेटेलाइट चैनल को कि हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा कि कर्मचारी अधिकारी आके मौके से सरकारी जमीन को निकाल के चिन्हित किया और जो भी नंबर जमीन था वो नंबर जिसका था उसको नाप के मौके से मिल गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अभी आप बताइए प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके गांव के प्रधान प्रतिनिधि? प्रधान जी हमारा सपोर्ट किए हैं, साथ दिए हैं, साथ नहीं दिए होते तो आज ये नापी जोखी नहीं होता। लेकिन प्रधान जी को मैं फोन करके कहा भी हूँ कि देखिए मैं काम करने जा रहा हूँ, आवाज उठाने जा रहा हूँ, गलत होगा तो बोलिएगा, सही होगा तब भी बोलिएगा, इसलिए कि अगल बगल में लोगों को जो खेत जो था इस गंदा पानी से फसल बर्बाद होती थी, उसमें कहीं किसानों का ही नुकसान होता था। इसके वजह से मैं 20 साल से मैं देखता था इस पे बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे प्रधान हुए, अब बहुत सारे प्रतिनिधि इस पे आके किए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं हमारे सहयोग से ये पब्लिक का, हमारे मिश्रौलिया ग्राम सभा के जनता के मोहब्बत हमको मिला कि इसमें हमारा सपोर्ट मिला, पूरे मिश्रौलिया के जनता सपोर्ट किया कि आज ये मौके पे नेपाल महोदय और तहसीलदार महोदय भी आए थे, ये सब लोग नाप के चिन्हित करके 19 डिसमिल सरकारी जो गाड़ खड़ा था वो मौके पे निकाल के दिया गया। अब बाकी जो बीच में जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा इसका पट्टा है, कागज है, तो अब एक महीना का मोहल्लत, भाई चौकी इंचार्ज साहब जो बहुवार के हैं वो मांग के गए हैं एक महीना का मोहल्लत है, कच्ची पक्की नहीं होगी, कच्ची ही होगी खुदैया, पक्की होगी एक महीने बाद, लेकिन उन लोगों का जो सरकार जो पट्टा की जमीन है वो मौके पे मिल जाने के बाद। क्या नाम है? जी मेरा नाम दीपक तिवारी है जी, मैं इस गाँव का निवासी हूँ। यह विगत वर्षों से समस्या थी, इस पे पूरे ग्राम सभा की आवाज उठ रही थी, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, आप सेटेलाइट चैनल के माध्यम से यूपी खबरिया के चैनल से प्रसारित भी किया गया था, गांव की जनता ने सहयोग किया, लेखपाल महोदय बहुआर चौकी इंचार्ज मनीष पटेल जी आए थे मौके पे, जिनका जो नंबर था उनको दिया गया है 19 डिसमिल जो खाद गड्ढे की जमीन है उसमें पानी गिरेगा। अभी कुछ लोगों को आपत्ति थी कि हम मेरा कागज है, तो लेखपाल महोदय ने कहा है जिनका कागज है वह कागज लेकर अपना आ सकते हैं, उनको जिनका कागज है जिनके नाम से है उनको भूमि आवंटित की जाएगी, सरकारी भूमि में कोई निर्माण नहीं होगा, सरकार की जो जमीन है वह